इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, कोई न जाने। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। देखे कोई दिल जल जाता है, हर धड़कन पे बसाना तेरा आता है, मेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है। आशिकों के भीड़ में ये आशिकों के। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV बिहार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है बलिया प्रखंड के तमाम पंचायतों में चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार को लेकर सभी प्रत्याशी अपना अपना जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो मैं आज आया हूं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 में भगतपुर पंचायत के कर्मठ योग शिक्षित उम्मीदवार मोहम्मद साबिर जी के पास। मैं उनसे बात करूँगा कि उनके पंचायत के अंदर क्या मूल समस्या है और उनका मुद्दा क्या है, इस बार जो मुखिया पद के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका क्या मुद्दा रहेगा, उस पर मैं बात करूंगा। साथ ही साथ भगतपुर पंचायत के तमाम जनता है, जनता जनार्दन से भी मैं बात करूंगा कि उनका क्या विचार है, इस बार क्या चाहते हैं, किनको मुखिया पद पर लड़ना चाहते हैं। तो आइए मोहम्मद साबिर जी के पास चलते हैं। सबसे पहले तो सर आपको KBTV की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं अपने जनता से KBTV चैनल से के जरिए मैं जनता को सबसे पहले प्रणाम करता हूं और दिल से उसको अभिनंदन करता हूं। साबिर जी, आप मुखिया पद पे अपना नामांकन करवाएं और चुनाव लड़ रहे हैं भगतपुर पंचायत, तो क्या उद्देश्य है जो आप मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मेरा लक्ष्य है विकास, शिक्षा, बेरोजगारी जी, छोटा छोटा जो चीज़ें हैं जिसमें जो चीज़ को 10 रुपया होना चाहिए उसको 200 रुपया जा रहा है जी, और वो मेरे ही पंचायत से पैसा जा रहा है जी, तो वो चीज़ को हम रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे हो गया आधार कार्ड, गवर्नमेंट का नियम के अनुसार 2 से 5 रुपये के अंदर में उसके घर तक जाना चाहिए, जो कि पोस्ट ऑफिस खर्च होता है। कोई अगर आ रहा है तो उसमें 100 रुपया ले रहे हैं, कोई मजदूर कोई गरीब का ही पैसा जा रहा है। अगर मैं जनता के बीच में आए, अगर जनता हमको चुन लिया तो ये सब चीज़ नहीं होगा, भ्रष्टाचारी सबसे पहले वो ख़त्म होगा। लेकिन साबिर जी, जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी दिनों से राजनीतिक समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के बीच में हैं, तमाम हरेक मूल समस्याओं पर आपने नज़र बनाए हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत के अंदर मूल समस्या क्या है जो अभी तक जो भी मुखिया बने हैं उनका नज़र नहीं गया और ज्यों का त्यों वो मूल समस्या अभी भी पड़ा हुआ है। नज़र उठा के देखिएगा तो सीधा आसमान दिखाई देगा जी, नज़र झुका के देखिएगा तो सीधा रोड देखिएगा।
तो वो आप लोग को भी नज़र में है जो मेरे पंचायत में क्या कमी है, जो कि बारिश का टाइम में कभी कभी ऐसा होता है जो मेरा माँ बहन घुटने तक ले जाके वो चीज़ को पार करता है जी। और ये सब चीज़ मेरे शर्म से मेरा हर सर झुकता है जी। ये मेरे पंचायत की हालत है, जनता हम लोग को चुन के आगे ले जाता है जो मेरे समस्या का समाधान निकाले, लेकिन हमारे भाई लोग जो है हमारे जैसा वो चीज़ अनदेख करके रह जाता है। एक बार अंगूठा दे दिया, 5 साल पड़े हुए हैं जी। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को मेरे माध्यम से बुरा लग रहा होगा तो मैं उससे अभी भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ जी। सही बात है आपका कहना कि जब प्रतिनिधि खड़े होते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान कई प्रकार देखा जाता है, वो चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे जनता को मुर्गा भात खिलाकर पैसे का लालच देकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मुर्गा भात उनके लिए बहुत ही आगे चलकर गलत हो जाता है। तो मैं 5 साल वो मुर्गा बन जाते हैं। देखिए जब मुर्गा का बात कहें ना तो हम मुर्गा से बहुत करीब से जानते हैं मुर्गे के बारे में, और उसको करीब से मैं हलाल भी किए हैं जी जी। शायद मेरा बिजनेस है यही। हाँ हाँ बिल्कुल। मुर्गा को तैयार हम 28 दिन कर देते हैं, बहुत प्यार से तैयार करते हैं। हाँ, और 28 दिन के बाद जब होता है तो उसको जुगाड़ लगाते हैं इसका रेट लगावे जी, कितना अच्छा रेट में बिकेगा। यही हम लोग प्रत्याशी जो होते हैं ना वही सोचता है जो 1 महीना 10 दिन जो फील्डिंग हम करें, हम लोग जनता को मुर्गा बना रहे हैं। 14 का बाद जनता ही मुर्गा बन जाता है। बिल्कुल सही बात। और प्रत्याशी जो है धार वाला छुरी जो है रखे रहता है, ऐसे जैसे बाबू को 7 गो 10 गो 20 गो शर्ट में जाइए काम होगा, पहले हलाल तो हो जाइए। सही बात। तो इस चीज़ को ख़त्म करना हम चाहते हैं, हलाल नहीं हो। अगर मुर्गा को पालते हैं सही से और जिस पर मेरा दिल है वो मुर्गा भले ही मर जाए उसको हलाल नहीं करेंगे जी। बिल्कुल। लेकिन मैं जानना चाहूँगा सर कि आपके पंचायत में शिक्षा और उप स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ तक कि मुझे पता चला है, तमाम जनता से मैं बात भी किया हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत, और भी प्रत्याशियों से मैं बात किया हूँ, लेकिन आपके पंचायत में पता चला कि उप स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं है जी। सही बात है। तो ऐसा क्या कारण रहा जो अभी तक इस पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और क्या तमाम जनता का इसके पीछे ध्यान नहीं गया, आपका क्या क्या है? देखिए ये तो जनता को, हमारे जितने भी नेता लीडर आए हैं उसको ये सोच रखना चाहिए जो जनता को कुछ नहीं दिए तो स्वास्थ्य केंद्र कम से कम दे दें जी, क्योंकि स्वास्थ्य सेहत अगर सही होगा तब ना जनता आगे चलेगा। सही बात है। गर्भवती महिलाएं होते हैं या किसी को अकस्मात दुर्घटना घट जाए तो हमको लगता है कि 25-30 किलोमीटर बेगूसराय जाने में मतलब किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा, इधर खगड़िया जाते हैं तो 20-25 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। तो ये आपको लग रहा है ना कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना कितना ज़रूरी? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी, पहला वही होना चाहिए जो स्वास्थ्य केंद्र है। शिक्षा का स्तर कैसा है सर? शिक्षा तो हमारे पंचायत में घूमिएगा तो आपको तो अंदाज़ा मिल ही जाएगा, और आने वाला समय में फिर से इंटरव्यू देंगे। बिल्कुल। तब हम बताएंगे शिक्षा का क्या मायने है और क्या मतलब है और कितना मेरे जनता शिक्षा के बारे में जानना चाहता है, इच्छुक है जी। लेकिन हम लोग ये सोच के अंठा देते हैं चलो शिक्षा तो मंदिर बन गया शिक्षा का, भैंस भी चलेगा तो शिक्षा ही में ना चल रहे, हो सकता है भैंस भी शिक्षा लिया हो। आपका कहने का मतलब समझ रहा हूँ सर। लेकिन सर एक चीज़ पे मैं बात करूँगा, जो भी सरकार का योजना होता है, जो भी मुखिया जी थे, मैं किन्हीं का नाम लेके नहीं कहूँगा और ना ही मैं चाहूँगा कि आप उनका नाम लेके बताएं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं आपसे पूछूँगा कि जो भी 5 वर्ष राज किए इस पंचायत भगतपुर पंचायत में काम किए, उनके माध्यम से कुछ 5 वर्षों में अच्छा कार्य हुआ या नहीं वो जनता बताएगा। हमने प्रधानमंत्री आवास योजनाओं पे बहुत सारे पंचायत में सुनने के लिए मिला गया कि 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये अभी लिया गया है,
तब जाके घर मिला, वो भी घर गरीबों को भी नहीं मिला, जिनको पक्का का ही घर है उन्हीं को मिला। तो आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि एक माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था, लक्ष्य था कि 2022 में इसको पूरा की ख़त्म कर दिया जाएगा, क्या आपको लग रहा है 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना साकार हो पाएगा या नहीं? और आपके पंचायत में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस योजना पे कितना काम हुआ है आवास योजना? पूरा पंचायत का तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरे वार्ड में बहुत सारे काम विकास हुआ है। मतलब ये इंदिरा आवास पे जी। पैसा जोखा है, मैं पेंडिंग रखना चाहते हैं इस बात को। अच्छा। पैसा लगा है, मेरे जनता का खाया है, लेकिन विकास हुआ है घर के मामले में जी। घर के माध्यम में जी। अच्छा काम किया है। पैसा जो भी खाया वो जनता बताएगा, हम नहीं बताएगा। शौचालय क्या लग रहा है आपके? तमाम जनता बाहर खुले में जो शौच के लिए पहले जाते थे, क्या अब बंद हुआ या नहीं? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये योजना था कि घर घर हर एक व्यक्तियों को शौचालय होना चाहिए, और इस योजना को काफ़ी मतलब विशेष रूप से ध्यान दे के दिया गया था। तो क्या आपके पंचायत में इस शौचालय के ऊपर क्या कहना है, कितना काम हुआ? इसका मेरा अंदाज़ा नहीं है और झूठ बोलना हमको आता नहीं है। अच्छा, नल जल योजना के ऊपर सर, वो जगह आप जहाँ बैठे हैं ना, जरा कैमरा भाईजान दिखा दीजिए, जल थल अभी नज़र आ जाएगा। विकास कर दिया है, जो कभी बारिश में इसमें बच्चा गिरे तो हाथ पैर चला जाए। तो घर में टोटी में पानी आ रहा है या नहीं सर? नहीं आ रहा। खैर, ये सब तो मैं जनता से भी पूछूंगा कि सच्चाई तो जनता बताएंगे, क्योंकि ये एक प्रतिनिधि हैं। ये थोड़ा सा सोचते हैं कि मैं किसी के बारे में बोलूं ना बोलूं, बहुत कुछ आगे पीछे सोच के बोलना है। मैं इनकी भावनाओं को समझ रहा हूं, लेकिन ये जनता सही क्लियर बताएगी कि क्या काम हुआ है, किन किन योजनाओं के ऊपर धरातल पे काम हुआ है। लेकिन सर, मैं जानना चाहूँगा, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका क्या मुद्दा है? तमाम जनता और जो दर्शक देख रहे हैं, आपका क्या मुद्दा रहेगा? मैं आगे भी आपसे एक ही सवाल किए थे, नॉमिनेशन में आफिन थे। हाँ, विकास, शिक्षा, बेरोजगारी, तीन मेरा लक्ष्य है। और जो वृद्धा पेंशन है ना, उसमें बहुत कमी है मेरे पंचायत के अंदर। वो बूढ़ा बूढ़ी बहुत कष्ट से ही मतलब चलते हैं। हमारे समाज में क्या है, अगर बाप बूढ़े हो गए तो लड़का जवान है तो उसको थोड़ा बहुत अनदेख होता है। तो ज़रूरतमंद चीज़ जो है वृद्धा पेंशन होता है, वो भी सही से नहीं है हमारे समाज के अंदर। तो फर्स्ट मेरा वृद्धा पेंशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो कि बिगड़ा हुआ सिस्टम है, इसको पहले पूरा करना। आपका पंचायत शराब मुक्त पंचायत बने, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ठोस कदम अपनाए हुए हैं कि मेरा बिहार जो है शराब मुक्त रहे, तो आप अपने पंचायत को शराब मुक्त पंचायत और युवाओं जो है शराब के पीछे ना भटके ना भागे, आपका क्या कहना है और कितना इसमें खड़े उतरने वाले? इस मुद्दे पर तो मुनासिब समझेंगे, अभी ना बोले तो अच्छा है। क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन बोलना मजबूरी है जो बोलवा रहे हैं आप। मैं तो यही सोचूंगा, अगर हम गलत हैं तो आप गलत मत बनो जी। और मैं यही संदेश हर जनता को देना चाहता हूँ, जो गलतियां हम कर चुके हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करके कहते हैं, वो गलतियां ना करें, आप ना करें, और वो चीज़ से दूर रहें जो हानिकारक हो जी। मुद्दा शराब की नहीं है, बहुत सारे चीज़ के जी, जो नशा से जुड़े हुए हैं जी, वो सबसे दूर रहते हैं, तो आपका सेहत बना रहेगा जी, बिल्कुल। और उस चीज़ से जुड़िए जहाँ आपको कुछ मिलने वाला हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर मैं जो बात बोल रहा हूँ इसमें आपको गलत समझ में लग रहा है तो वो चीज़ मेमोरी से निकाल के फेंक दें, जो आपको अच्छा लग रहा हो वो मेमोरी में सेट कर लें, ताकि आगे आने वाला हमारे बाल बच्चा जो मेरे नस्ल हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेंगे। मैं सर थोड़ा सा जानना चाहूँगा किसान भाइयों के बारे में, आपके पंचायत में किसान भाइयों का क्या हाल है, और आपके पंचायत में जो युवाओं खास करके आपके पीछे देख रहे हैं युवाओं का पूरा सहयोग है, उनके बारे में आप क्या सोचे हैं और क्या कुछ करने वाले हैं? वो मेरा युवा जो देख रहे हैं वही मेरा लक्ष्य है, उन्हीं के जनून पे हम आज खड़े हैं जी, बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ जो मेरा युवा
सब मजदूर क्लास का है और मजदूर घर से विलंब करते हैं हम लोग, तो मेरा उम्मीद है जो मजदूर का दर्द मजदूर ही जानेगा। जी बिल्कुल। और किसान भाइयों के प्रति क्या सोच रखते हैं, उनका क्या हाल है आपके पंचायत में? किसान भाई का भी मेरे ही जैसा हालत है, समय पे बीज की सिंचाई का व्यवस्था और प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से सहायता राशि जो आता था, किसान सहायता राशि, उस पर क्या उनको लाभ मिल रहा है या नहीं? मैं इस बात पे झूठ नहीं बोलूँगा, इसके बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं। सही बात है, जो भी अब जितने के बाद योजना आएगा उस योजनाओं पे आप खड़े उतरेंगे। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा कि जो भी दर्शक जो भी जनता आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं उनसे एक ही अपील करना चाहते हैं, आप जिन्हें भी चुने हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं जी, आप जिन्हें भी चुने वो व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति आपका दुख सुख में साथ दें, आपके बारे हमेशा सोचें, आपका विकास के बारे में सोचें, किस ढंग से हमको विकास गांव में लाना है, किस ढंग से हमको विकास को वितरण करना है, हम खाएं ना खाएं समाज मेरा खुश है, उस ढंग का व्यक्ति को आप चुने। मैं एक मौका जनता जनार्दन से मांगना चाहता हूं, जो आप हमें एक बार मौका दें, मैं आपका बेटा हूं, आपका बीच रहूंगा, आपके साथ विकास करूंगा, मेरा अच्छा बैगन है क्रमांक संख्या 6 पर आप बटन दबा के विजय बनावे, मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शाबिर जी, जो आपने हमारे केबी टीवी चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरे साथ जो हैं तमाम जनता भी हैं, मेरे बीच हैं, मैं उनसे राय विचार लूँगा कि इस बार उनका क्या विचार है, क्या चाहते क्या हैं, इस बार कुछ खेला करने वाले हैं या नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सरफराज। सरफराज जी आप एक युवा हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये भगतपुर पंचायत का आप एक युवा के नाते, युवा शक्ति के नाते आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, इस भगतपुर पंचायत के तमाम युवाओं से क्या कहना चाह रहे हैं? जी युवा से यही कहेंगे कि युवा नेता इस बार खड़ा हुआ है जिनका नाम मोहम्मद साबिर है, आप लोग जो है सभी को यही कहूंगा कि आप लोग जो है इनको सपोर्ट करें, और पहली बार खड़े हुए हैं आप लोग जो है इनको जिता के फर्स्ट टाइम जो है मुखिया बनावे। जी ऐसा क्या कारण है साबिर जी में जो आप लोग उनको ही मुखिया बनाना चाह रहे हैं? उस काबिल है, हम लोग ने बहुत साल जो है वोट किए हैं, ठीक है, और सब प्रत्याशी को देखे हैं, सारे प्रत्याशी में ये एक ऐसा चेहरा है जो कि गरीबों के मजदूरों के सबके साथ में रहेंगे, और इन पर यही उम्मीद है कि मुखिया बन के पूरा समाज का सेवा करेंगे। आपका क्या कहना है भैया? जी मेरा नाम मोहम्मद शमशेर जी, हम इनको अपने गांव के जितने युवा लोग लड़के जवान नौजवान हुए उनसे हम लोग सब मिलकर बैठकर इनको बढ़िया देखे, सब चीज़ में गरीब का सहायता करते हैं, अच्छा स्वभाव है, बोल बचन गरीब का साथ देते हैं, इसीलिए हम लोग इनको चुने हैं 10 नंबर वार्ड से कि मुखिया इस बार इसको बनाया जाए। अच्छा ये बताइए कि आपके पंचायत में 5 साल काम कुछ हुआ सरकार की योजनाओं पे कि ऐसे ही फोकस रह गया? जो भी हुआ है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही कम मात्रा के हिसाब में किए, बहुत सा काम है जो बचा हुआ अभी भी है वो आप देख सकते हैं, समझे, इसीलिए हम लोग सोचे कि युवा को नेता बन के साबिर को बनाया जाए, जितना लोग हम लोग सब मिलकर कि बढ़िया से बढ़िया नेता हो, बढ़िया से बढ़िया इंसान चुना जा रहा है कि किस तरह का जो मामला हो वो सॉल्व हो जाए यहीं जाए। इस बार क्या आप युवा हैं, क्या नाम है? मेरा नाम MD फिरोज आलम। फिरोज जी ये बताइए इस बार खेला कीजिएगा? खेला होबे दादा, खेला होबे पूरी पंचायत में सबसे बेहतरीन प्रतिनिधि माना जाता है मोहम्मद साबिर जी को। मुझे भी ये पता चला है, मैं भी घूमा। सबसे अहम वाली बात ये है कि मोहम्मद साबिर जी जो मुखिया प्रत्याशी हम लोग इसको चुन रहे हैं वो युवा के और गरीब के बीच ही रहने वाले हैं, और एनी टाइम ये टाइम देते हैं, समझे। सबसे बेहतरीन बात ये है कि गरीबों की मसीहा बन के आए हैं, 24 घंटा बिल्कुल
जी तो इस बार अगर साबिर जी जीत जाते हैं, मुखिया पद पर आ जाते हैं, तो सबसे पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर उनसे आग्रह? सबसे हम लोग पहला प्राथमिकता इनको रहेगा कि इनका बेरोजगारी, सबसे पहला बेरोजगारी और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। स्कूल की और स्कूल की जो परिस्थिति है ना, इसकी हाँ शिक्षा की जो परिस्थिति है वो बहुत ही हालत बहुत ही गंभीर रूप से चल रही है। हमारी गांव की भी परिस्थिति खराब है, पूरी पंचायत को जो है ना, पूरी पंचायत को गंभीर चल रहा है मामला। आप क्या कह रहे हैं भैया, इस बार क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मोहम्मद शाबिर हैं मुखिया प्रत्याशी भगतपुर पंचायत से, वो बहुत ही कमर ठीमनदार जो है ना प्रत्याशी हैं। हम लोग को चाहिए कि युवा को चाहिए, खास करके युवा को चाहिए कि आगे आए, आगे बढ़ चढ़ के काम ले, युवा के साथ रहे। क्योंकि आज देख सकते हैं हमारे पंचायत में ये हालत बन चुकी है। जैसे आप बात कर रहे थे इंटरव्यू के दौरान कि नल जल जानते हैं नीतीश की सरकार ये बना बनाया रोड को काट के बीच से निकाले। नीतीश की सरकार नहीं, वो ठेकेदार ऐसा किया, उनको योजना में लिखा गया था कि जो तोड़ेंगे वो उस चीज को बना के कंप्लीट करेंगे, वो तो नहीं आएंगे। नीतीश जी नहीं आएंगे, नीतीश जी तो नहीं आएंगे, नीतीश जी नहीं आएंगे, लेकिन वो तो जो ठेकेदार है, जो मुखिया जो इस 5 साल भगतपुर पंचायत के अंदर जो मुखिया के उम्मीदवार रहे हैं वो काम किए, उन्हें क्या चाहिए वो जांचे किस तरीके से काम हो रहा हमारे पंचायत में, होगा इस तरीका बेहतर तरीका से जान जानते हैं। एक भी नल में नहीं है। अच्छा, इतना बता दीजिए इस बार कौन सा चेहरा आएगा मुखिया? नहीं मुखिया के मिला के यही कहेंगे खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। किनको वोट देना चाह रहे हम? तो बस कितने किनको वोट देना चाह रहे हैं? साबिर जी को बदलाव चाह रहे हैं कि नहीं? बदलाव बिल्कुल चाह रहे हैं, हमें श्री मुखिया बदलाव चाहिए भगतपुर पंचायत में। देखिए तमाम युवा जो है यहाँ पर, तमाम जनता जो है, सभी के जुमा से यही चीज निकलता है कि खेला हो गई यानी बदलाव चाहिए। तो बदलाव इस बार जो है, आइए कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी मैं जानता हूँ बातें कर। मामा ये बताइए कि इस बार मुखिया में क्या करने वाले हैं? साबिर बाबू को जिताने वाले हैं। हाँ। क्यों जीतेंगे? कि वो अच्छा आदमी है जी, वो देख के चलते हैं, बूढ़ा पुरानी बाल बच्चा सबको लेके चलते हैं। अच्छा। दुख सुख में सबको देखते हैं, अभी फिर देखते हैं आगे बढ़ेंगे तो और कुछ देखेंगे। अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ जी हाँ। हाँ, तो और घर उड़ मिला, शौचालय मिला? कुछ नहीं मिला अभी। तो आप चाह रहे हैं कि साबिर जी मुखिया बने? मुखिया बने। आपका क्या कहना? बोलिए बोलिए बोलिए। इस बार किनको वोट देने वाले हैं? मोहम्मद साबिर जी को। काम करने वाले हैं, आपको भरोसा है उन पे? हाँ, बहुत भरोसा, ईमानदार है। चलिए साबिर जी इस भगतपुर पंचायत के मुखिया के लिए कैसे प्रत्याशी है ये इतना बताएं? बहुत बढ़िया प्रत्याशी है, हमको विकास चाहिए, हमको जिताना है साबिर मुखिया को। आप साबिर जी के बारे में आप पूछ रहे हैं जी? हम जितना भगतपुर का जनता है वो अपना मन से नहीं उठे, हम उनको उठाए हैं और जिताने के लिए, और यहाँ तक कि वो हम लोग उन पर जीतने के बाद उनके उनसे जो अच्छा से अच्छा काम होगा, गरीब रहे अमीर रहे जो भी रहे मेरे भगतपुर पंचायत में है उसका सहयोग रहेगा जी। लेकिन सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असगर अली। असगर जी ये बताइए कि सबसे पहले अगर मुखिया बन जाते हैं, अगर ऊपर वाले का द्वारा मुखिया बन जाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा काम को लेकर उनसे आग्रह कीजिएगा? हमको गांव में जो कमी है, मेरे पंचायत में जो कमी है, वहाँ हम ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके, रात में भी हम लोग गए वादा किए हैं जो ये काम आपको हम कराएंगे, जहाँ पर नई काम हुआ है अगला मुखिया से वो काम हम कराएंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे जानकारी हुआ, आपके भगतपुर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मुझे बहुत दुख है, क्यों नहीं है ये थोड़ा सा बताइए। ये भी अब हम जब पावर में आ जाएंगे, हम इस गांव का जो है पंच हैं, आगे पंच रह चुके हैं, अभी हम खुद लड़ रहे हैं, पंच से हम लड़ रहे हैं, और ये जब हो जाएगा हमारा मुखिया जो है साबित कदम अगर रह गया जीत गया, तो हम वो भी कोशिश करेंगे लड़ के झगड़ करके आगे बढ़ करके हिस्सा ले करके वो काम हम लोग कराएंगे। जो भी जनता देख रहे हैं आप उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से तो हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि इनको सहयोग दे करके भारी से भारी बहुमत से इनको हमको जिताना है और इनसे काम लेना है। इस बार खेला होवे? हाँ, एक बार भालो करे खेला होवे, ऐ रकम खेला होवे जो आगे होलो ना, ऐ रकम खेला होवे। साबिर जी मुखिया बनने लायक है? हाँ है ना। क्या उनमें क्या अच्छाई नजर आ रहा है? अच्छाई काम का अच्छाई, अच्छाई तो उसको सूरत देखने, सुनिए, अच्छाई तो सूरत देखने से नहीं होता, काम से अच्छाई होता। समाज से जुड़े रहते हैं कि नहीं? हर कैंडिडेट को काम
करना चाहिए और जो वादा कर लेते हैं मुकर जाते हैं वो कैसा करनी दे रहे थोड़ा। भगतपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए लड़ रहे हैं तो इस बार आपके तरफ से क्या रहेगा? हम सोच रहे हैं कि साबिर जी मुखिया बने, अच्छे ढंग से काम करेगा, पूरा मूड बना लिए, इस बार बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए हम लोग जी। तो तमाम युवा से आप क्या कहना चाह रहे हैं? तमाम युवाओं से, जो आपको देख रहा है सुन रहा है, आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? हम तमाम युवाओं से बस यही अपील कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत ये बनेगा भगतपुर। जब साबिर जी इस प्रत्याशी से विजय प्राप्त करेंगे तो ऑटोमेटिक है भ्रष्टाचार पे, जो उनका सबसे पहला मकसद है, आप देख रहे हैं ये सड़कों पे क्या विकास हो रहा है, आपको सब पता है। भ्रष्टाचार मुक्त जब ही होगा तभी बनेगा ये सुशासन, बाबू का सुशासन, ठीक है। और खेला होगा इस बार, और इस बार चेहरा आप यकीनन मानिए कि इस 10 नंबर वार्ड से मुखिया प्रत्याशी में साबिर जी को भारी मतों से, ये हमारे गाँव के सिर्फ नौजवान नहीं बोल रहे हैं, आप उस पंचायत में भी जा पूछिए, कहीं भी पूछिए, बिल्कुल उनका बहुत ज्यादा संख्या में उनका उम्मीदवार है। ये थे हमारे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 से मोहम्मद साबिर, जो कि मुखिया पद से, भगतपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए अपना चुनाव प्रचार में पूरा दम लगाए हुए हैं, पूरा ताकत झोंके हुए हैं, और तमाम जनता का भी प्यार और उनको सपोर्ट भी इस बार जो है मिलने वाला है। तो मेरा कहना ये नहीं है कि आप वैसे ही प्रत्याशियों को वोट दें जिनसे मैं बात करता हूँ, मेरा ये कहना है कि मैं जिन भी प्रत्याशियों का ले रहा हूँ बाइट, या आप जिनको जानते हैं, आप उनको पहले देखें, सोचें, समझें, जो कर्मठ हो, ईमानदार हो, शिक्षित हो, आप वैसे प्रत्याशियों को वोट दें जो आपके पंचायत का सर्वांगीण विकास करे, जो चौतरफी विकास करे, जो एक निर्मल पंचायत बनाने का काम करे, आप वैसे पंचायत को, प्रतिनिधियों को वोट दें ताकि आपका पंचायत एक निर्मल पंचायत बन सके, जो चौतरफी विकास हो आपके पंचायत का, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दे, आप वैसे प्रतिनिधियों को जिताने का काम करें। तब तक के लिए बने रहें कैमरामैन विकास के साथ, मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।